उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अपनी चार मांगों को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पहले चरण में संदीप सेम्बाल और रमेश चंद्र तिवारी ने आमरण अनशन शुरू किया है, जबकि अन्य तीर्थ पुरोहित भी यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। अनशन कर रहे पुरोहितों की मांग है कि 2013 में आई आपदा में बहे भवनों के स्थान पर बनाए गए नए भवनों को तीर्थ पुरोहितों को सौंपने, तीर्थ पुरोहित समाज और केदारनाथ की स्थानीय लोगों को भूमि का अधिकार देने, केदारनाथ में चल रहे कार्यों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और केदारनाथ मंदिर के भीतर लगे सोने की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इन्हीं चार मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहित आमरण अनशन पर बैठे हैं। जय श्री केदार। सर्वप्रथम बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा भैरवनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी तीर्थ पुरोहितों को प्रणाम करता हूँ। और आज ये हमारा अनशन का प्रथम दिन है, आमरण अनशन का। हम लोग, मैं संदीप सेमाल और कमल चंद त्रिवेदी, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ चुके हैं। आज से हमने अन्न और जल त्याग दिया है। जब तक सरकार हमारी मांगों को सुनेगी नहीं, पूर्ण नहीं करेगी, हम लोग जो है बैठे हुए हैं। जय श्री केदार। आप सभी लोगों को विदित है कि श्री केदारनाथ धाम में हमारा भू स्वामित्व के लिए और जो वर्ष 2013 की आपदा में जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवन हो गए थे उनके लिए स्वामित्व की लड़ाई और भवन की लड़ाई जो आज तक की शासन प्रशासन पीड़ित लोगों को नहीं दे पाई, और हमने 1.5 माह पहले ही सरकार को, शासन और प्रशासन को अवगत कराया था कि अगर आप 16 सितंबर तक हम लोगों की ये मांगें आप पूरी नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से